मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए आस्क मुफ्ती तारिक मसूद ग्यारहवीं शरीफ का खाना खा सकते हैं हसनैन खान टेक्सला से क्या ग्यारहवीं शरीफ का खाना हलाल है या हराम देखें खाना अगर हलाल पैसों से बना है अल्लाह के नाम पे बना है और उसका मकसद था शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहा की रूह को सवाब पहुंचाना तो खाना बजात खुद तो हलाल है यानी उसमें कोई हराम का अनसर नहीं है ज़ाहिर है लेकिन अगर आप वो खाना कबूल करेंगे और घर बैठ कर तबीयत से उस खाने को फोड़ेंगे तो एक बिदत की ताइद होती है क्योंकि हमारी राय में ये ग्यारहवीं शरीफ और बारहवीं शरीफ इस तरह के जितने मुतिन दिनों के खाने ये बिदत हैं असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता कोई एक वाक़ा बताएं हरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तहु के इंतकाल पररतु उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पर ग्यारहवीं शरीफ की हो या उनके नाम का खाना खिलाया हो या हजरत उम्र की शहादत के बाद ये काम किया या अली के बाद या उस्मान के बाद कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता आयम अरबा से दिखा दें इमाम हनीफा के इंतकाल पर इमाम व यूसुफ ने उनके नाम पर इमाम अबू हनीफा का मकाम तो शेखब्दुल्दर गिलानी रहमत ला से करोड़ा गुना बढ़ाए इमाम शाफ़ी का मकाम तो शेख अब्दुल्दर गिलानी रहमत लोड़ा गुना बढ़ाए तो उनके नाम पर भी कभी किसी ने नहीं की और आज भी नहीं करते तो हज़रत शेख अब्दुल्दर गिलानी रहमतुल्लाह हम उनकी ख़ाक के बराबर भी नहीं वो हमारे बुज़ुर्ग हैं मगर और उन्होंने खुद भी ये बात नहीं कही है हज़रत शेख अबादिर गिलानी रमत ने कहीं भी ख़ुद भी ये तरगीब नहीं दी कि मेरे बाद यह सब कुछ किया करो तो ये बात के लोग हैं जो अकीदत में गुल्भ का शिकार होकर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमें इस्लाम को देखना है ज्लाम ने जैसे कहा तो अगर आप ये खाना कबूल करके खाएँगे तो एक बिदत की तइद होगी इसलिए इससे इजतनाब करना लाजि है और महब्बत से समझा दिया करें पट्टेबाजी ना करें किसी से और ऐसा ना होगा खाना आप जो है ना वो कोई आए और मुंह पे वापस करके एकदम ज़रा बदतमीज़ी से वापस करें ऐसा भी नहीं होना चाहिए जब वो कोई खाना लेकर आता है तो आप उसको बहुत प्यार मोहब्बत से समझाएँ कि भाई देखें आपके जज्बे की हम कदर करते हैं आपने एक बुज़ुर्ग की अकीदत मोहब्बत में ये काम किया है और इसकी बेस गलत नहीं है हम आपके जज्बे की कदर करते हैं माशाल्लाह आपको बुज़ुर्गों से अकीदत है मोहब्बत है बड़ी खुशी हुई लेकिन देखिए इन बुज़ुर्गों के भी यही यहीकाम है और अल्लाह रसूल का भी यही हुक्म है कि हमें अपनी इबादत को इतना करना है जितना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और उसी तरीके पर करना है तो काइंडली मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप ये खाना ले जाइए गरीबों में बांट दें और फिर भी वो इसरार करें नहीं लो नहीं लो तो आप कह दें ठीक है मैं ले रहा हूँ मगर मैं मैं खुद किसी गरीब को सदका कर दूँगा ये कह के ले रहा हूँ मैं कि और मैं इस रस्म को ठीक नहीं समझता तो मेरा मतलब ये है कि फटेबाज़ी ना करें बस और तमीज़ से मोहब्बत से समझा दें और खुद पतली गली से निकल जाए आस्क मुफ्ती तारिक मसौद